वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। बेटा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद मैंने आपको कुछ नोट्स भेजा था और अब आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9A समझाऊंगा। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो KM होता है, KM मीन्स होता है किलोमीटर, HM मीन्स हेक्टोमीटर, DCM डेकामीटर, M फॉर मीटर, DM डेसीमीटर, CM सेंटीमीटर एंड MM मिलीमीटर। तो बच्चों इसे ऐसे पढ़ेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब बेटो एक्सरसाइज 9A बच्चों मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ये याद रहे कि उसको समझने के लिए उसके पहले तुम्हें ये फार्मूला मीन्स किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये याद रहना चाहिए। और इसे किस फॉर्मेट में लिखते हैं ये देखिए, ऐसे लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 भी साथ में ही समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो इसका बेटा मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। आपको कभी ये नहीं याद करना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, कितना डेकामीटर होता है, कितना मीटर होता है, कितना डेसीमीटर होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्या है ये, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसको आप इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आप इस फॉर्मेट में इसे पहले लिख लेंगे और ऐसे ही याद भी कर लेंगे बेटा, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। और आप इस फॉर्मेट में याद कर लेंगे। और अब मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ, वो क्या है देखिए, जब बेटा आप इधर से इधर चलते हो तो यहाँ क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इधर से आएंगे बेटा, जब इधर से आएंगे तो यहाँ पर होता है डिवाइड। ठीक, देखना कैसे मैं इसे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। किलोमीटर कहाँ है बेटा, यहाँ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू पूछा है, किलोमीटर के नीचे 1 लिख दो। मिलीमीटर कहाँ है, इधर से जा रहे हैं कि उधर से आ रहे हैं ये याद रखना है। तो मिलीमीटर कहाँ है बेटा, किलोमीटर के किधर है, इधर, ये यहाँ है। तो जहाँ है वहाँ तक आप क्या करिए, 0 लिख डालिए, सब के नीचे क्या लगा दीजिए, 0, सब के नीचे 0 लगा दिए। और आपको क्या लिखना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगा दीजिए, मीन्स यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10,000। अब क्या करना है कि आपको ये मालूम होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, यही आंसर हो गया। तो देखो आपको जब भी अगर हेक्टोमीटर से मिलीमीटर पूछ रहा है तो हेक्टोमीटर के नीचे 1 लिखिए, बाकी सब्जेक्ट क्या लगा लीजिए, 0। जैसे मैं इस चैप्टर का सारा प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और कैसे होगा ये आपको देखना है। देखिए सेकेंड है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेकामीटर, तो कैसे करेंगे, किलोमीटर कहाँ है, यहाँ, डेकामीटर कहाँ है, DCM कहाँ है, यहाँ। तो आप क्या करिए, फार्मूला तो आप पूरा लिखेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फार्मूला आप पूरा लिखेंगे, लेकिन जो आपको चेंज करना है, किलोमीटर से डेकामीटर, किलोमीटर यहाँ है तो यहाँ 1 लिखिए, डेकामीटर के पास तक क्या लिख दीजिए, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब यही आपका आंसर हो जाएगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर, यही आपका आंसर हो गया। मीन्स आपको कभी भी ये याद नहीं करना है, बस याद रखिए कि जब इधर से इस साइड में जाते हो,
ये बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी होती चली जा रही है। तो जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाओगे तो क्रॉस करेंगे, और जब इधर से आएंगे छोटी से बड़ी की ओर आएंगे तो उस समय क्या करते हैं, डिवाइड। तो अभी तो मैं आपको क्रॉस वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, लेकिन अभी आगे मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड वाला भी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आया, आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर। तो किलोमीटर यहाँ है, हेक्टोमीटर यहाँ है, इधर से इधर जा रहे हैं, किलोमीटर पे 1 रख देंगे, हेक्टोमीटर के पास 0, और यही 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया बेटा? देखो एक एग्जांपल ये भी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, फार्मूला वैसे ही लिखेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लिखने के बाद यहाँ क्या वैल्यू, ये ध्यान से सुनिए, क्या वैल्यू है, 1 मीटर। तो मीटर के नीचे क्या लिख देना, 1। यहाँ 1 मीटर है, मीटर है, मीटर के नीचे क्या लिख दिए, 1। यहाँ क्या है बेटा, सेंटीमीटर, मीन्स आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ से खोजेंगे सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, तो वहाँ तक क्या लिख देंगे, 0। बहुत सिंपल, जिसको चेंज करना है वो खोजेंगे, वो मीटर है तो यहाँ लिखेंगे, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है, आगे 0 लिख देंगे। अब क्या हुआ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आइए एक और देखते हैं बेटा, यहाँ आपको बताना है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। तो सेम प्रोसीजर बेटा, देखो क्या करेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब किसको चेंज करना है, मीटर को चेंज करना है, मीटर कहाँ लिखा है, यहाँ, किस में चेंज करना है, मिलीमीटर, मिलीमीटर कहाँ है, यहाँ, तो मीटर से मिलीमीटर तक क्या लिख देंगे, 0, और यही हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मीन्स आपको जब इधर से इधर जाना है तो आपको 0 लगाते चले जाना है, ठीक। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ऐसे ही आप अपनी कॉपी में करेंगे, क्लियर, थैंक यू।